तो भाई देखिए आज कुछ छोटा सा स्टॉक आया है। आज बहुत से लोगों ने जमघट बना लिया है, बहुत से लोगों ने नहीं बनाया है, और जिसने नहीं बनाया उसके लिए देखिए आज स्टॉक दिखा दे। देखिए पतंग आई है, पतंग आई है, मंजोली पतंग है ना भाई ये, और ये अच्छे बड़े फरमे की पतंग है। कलर कई सारे ना भाई इसमें, कलर देखिए नीचे अभी में है इसमें पतंगों में। बाकी ये 7 रुपये की देखिए नीली सफ़ेद पत्ते की पतंग है। ये एक छोटा सा वीडियो है केवल मंजोली के लिए, जिसने मंजोली ना ली हो तो वो ले सकता है, और ये तुरंत डाल देंगे वीडियो। अभी हम जस्ट अभी बना रहे हैं, थोड़ी देर में वीडियो इसको डाल देंगे, पोस्ट कर देंगे। बस मंजोलियों के डिज़ाइन आप देख लीजिए, मंजोलियों के काफ ठड्डे देख लीजिए। बरेली की ना भाई? हाँ। बरेली की मंजोलियाँ देखिए। और भाई जिसने आज ना सेलिब्रेट करा हो वो कल सेलिब्रेट कर लो, जो खरीदना चाहता हो खरीद के आ जाए, ले ले, अभी भी स्टॉक बचा है। बच्चा क्या है मतलब, ये आया है ना, आज ही आया है सुबह डब्बा? अभी मेरे पास स्टॉक में यूसुफ की पतंग मिल जाएगी। अच्छा, और आज ही आया है डिब्बा, ये मिल जाएगा। और नसीम वसीम वाली? नसीम वो खत्म हो गई, वो खत्म हो गई। ठीक है, देखिए नीली सफ़ेद पत्ते की कोई और पतंग आती है अभी तो दिखाते हैं। देखिए ये देखिए तारे तार निकल आई, हट भी गई है पतंग। ये देखिए साफ सुथरा चौका, अच्छा देखिए साफ पतंग, ठीक है टाइम में वो भी। देखिए तारे वाली भी है, प्लेन वाली भी है, मांगदारे भी हैं, जिसको जो लेनी हो वो ले सकता है। देखो सागर, ये देखिए एक मंजोली ये निकल आई, मांगदार मंजोली। देखिए साफ सुथरी, और पतंग में देखिए मोहर मिल जाएगी आपको, बरेली की पतंग है। ठीक है, एक कलर ये निकल है, देखिए एक कलर ये कत्थई कलर का, और सब ये बड़े फरमे की पतंगे है ना, फुल साइज मंजोली ना ये सारी बड़े फरमे। ये भाई बनी थी लेकिन ये यही गत्ता बस में नहीं चढ़ पा रहा था, ये नहीं अभी एक गत्ता और है। अच्छा, स्टेशन पे पड़ा होगा अभी खुलवाने के लिए भेज। अच्छा बस में नहीं चढ़ पा रहा था ना, वो बहुत बड़ा गत्ता था मंजोली का, वो बस में नहीं चढ़ पा रहा था। किसको? ये देखिए कैसी है, एक कलर ये देखिए, एक कलर ये, और ये देखिए कितना बढ़िया कलर है, नीचे पत्ते पे आपको मोहर मिल जाएगी। खींचतान वाली है ना मतलब, देखिए ये इसमें भी पत्ते पे आपको मोहर मिल जाएगी। देखिए बढ़िया कमांड टड्डे की पतंग है, मंजोली पतंग। क्या बोलेगा, मांगदारे बहुत है ना इसमें, मांगदार देखिए पतंग बहुत है, जिसको चाहिए हो मांगदार मिल जाएगी, सफ़ेद पत्ते के साथ मांगदार। निकालनी तो निकालते ही भाई, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी रेट में, ठीक है। हाँ, पर्चा देख नहीं पाए थे, ठीक है, पर्चा नीचे मिला ना पतंग, दबा था पर्चा, 8 रुपए की है पतंग, 7 रुपए की नीली। जो नीली वाली है वो बस 7 रुपए की ना, नहीं नीली वाली 7.5 की है। अच्छा, बोल चुके हैं 7 की, इसलिए हम पर्चा भी देखे हैं, 700 में तो मेरी खरीदारी नीली। अच्छा अच्छा, कलर मेरी आ रही 750 में। अच्छा अच्छा, तो यानी ये 8 रुपए की कलर वाली और प्लेन है ना, इस गत्ते में जितनी पतंग निकली सब 8 रुपए के हिसाब से। ठीक है 8 रुपए की देखिए मंजोली है, ये ना कहे 50 पैसे 1 रुपए बढ़ा रहे भाई, कमाने बैठे 50 पैसा ना मिले तो बेकार है। ठीक है 8 रुपए में देखिए बढ़िया मंजोली है, और मोहर भी देखिए पतंगों में मिलेंगी आपको, एक हर चौके में मोहर लगी है, देखिए इसमें भी यहाँ लगी है। सेट कर लो सागर, देखिए किधर बैठ जाओ आके, और क्वांटिटी काफ़ी सारी है, क्वांटिटी में कोई कमी नहीं, जो जितनी लेना चाहे मिल जाएगी ना आराम से। हाँ, फिर देखिए दिवाली वाले दिन भी इनके पास माल आ गया है, पता नहीं इस टाइम किसी मंजोली है नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पर मंजोली का स्टॉक उतर चुका है बढ़िया। देखिए पतंगे देखिए कितनी है, पतंग भाई काफ़ी लाजवाब है, बहुत लाजवाब पतंग है, छोटे बेच के मतलब भाई खींचतान वाला अगर आदमी है तो उसके लिए एक नंबर की पतंग है। आदमी मांग रहा था ये, असल में डिब्बा मेरा फंस गया था, ये डिब्बा होता ना तो कल साफ हो चुका होता, अच्छा पतंग हो गई थी खत्म। ठीक है देखिए देखिए बिल्कुल अद्धी है, छोटा पत्ता और बड़े फरमे की पतंग है ये मंजोली पतंग। अच्छा चप है ना वो? हाँ, ये चप का 2-3 चौके हैं, मिल जाएंगे जिसको चिल्ले लेना। अब अद्धी आ गई, हाँ।
अद्धी क्या रेट की भाई? अद्धी 13 रुपए की। 13 रुपए की अद्धी है, बरेली की है ना? हाँ ठीक है, बढ़िया। खीस्तान वाले लोग के लिए जो भी अद्धी लड़ा है उनके लिए बढ़िया अद्धी है। अभी हम दे देंगे तो बात नहीं करने से। स्टॉक देखिए आप, स्टॉक देखिए कितना होगा, उधर भी लग रही है, इधर भी पड़ी है, इधर भी पड़ी है पूरा। और अभी करते नहीं लाल पत्ते में, ऑरेंज पत्ते में ठीक है, दिखा दो नीचे देखिए अद्धी पता नहीं बने देखिए। ठीक है 13 रुपए की है ना? ठीक, उससे पूछो क्या हुआ वो, अरे डिब्बा छोड़ा ही नहीं।